जी रॉय बात कर रहा हूँ भाई, और स्वागत है आप सबका रॉय मैच प्रेडिक्शन में। तो मेरे भाई बैक टू बैक जीत का मेरे भाई सिलसिला बरकरार हो मेरे भाई बरकरार रहेगा, और बैक टू बैक जैकपॉट का सिलसिला बरकरार हो मेरे भाई इसी तरह से बरकरार रहेगा। मेरे भाई PSL हो या वुमेन IPL हो या उससे पहले इंटरनेशनल लीग हो, जितना भी जैकपॉट निकला मेरे भाई डंके के चोट पे हर एक जैकपॉट कैश करा कर दिया मेरे भाई। और बीते IPL के 5 मुकाबले में मेरे भाई 2 बड़ा जैकपॉट निकला है, 15 पैसे का 20 पैसे का, वो भी मेरे आप लोगों को कैश करा कर दिया। और एक निकला मेरे भाई मिनी जैकपॉट 50-60 पैसा का राउंड का, वो भी आप लोगों को कैश करा कर दिया। मेरा ये शुरू से एक वादा रहा है आप लोगों के साथ कि जैकपॉट होगी तो कैश करा कर देंगे ही देंगे। और मेरे भाई जिस लेवल का काम दिया जा रहा है मेरे भाई, आप लोग जिस काम की तलाश में मार्केट में घूम रहे हो भटक रहे हो, उसे 100 गुना बेहतरीन काम वहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल में निकाल कर दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा मेरे भाई, जाकर के काम देख लेना। देखने का खैर वैसे समय है नहीं, अब कमाने का समय। अगर अभी भी आप अगर आप लोग नहीं कमा पा रहे हो तो मेरे भाई अभी तक आप लोग कहाँ भटक रहे हो मेरे भाई। फलाना टिप पर ढिमका टिप पर फलाना प्रेडिक्शन ढिमका प्रेडिक्शन सर्च मारते रह जाओगे मेरे भाई, कुछ रुपये हासिल नहीं होगा, उल्टा यहाँ पे लॉस में जाओगे। जहाँ पे मेरे भाई कल ही के मैच में डबल हेडर मैच में एक मीटिंग अपनी राजस्थान थी, राजस्थान विन हुई, उसमें भी मेरे भाई आप लोग को ट्रेडिंग करा कर वहाँ पे आप लोग को 20 पैसा की ट्रेडिंग दिया, बोला कभी अपने ही टीम को खाओ राजस्थान को खाओ और मेरे भाई यहाँ पे प्लस करो लखनऊ को, लखनऊ को 20 पैसा खिला के मेरे भाई सीधा ले जाकर बूथ पे बुक बनवा दिया कि अब यहाँ से बुक बनवा लो, यहाँ तो खैर अपनी टीम अब जीत जाएगी, राजस्थान जीत जाएगी, राजस्थान जीतवा दिया, उसमें भी आप लोगों को पैसा कमा कर दिया मेरे भाई। सेकंड वाले मैच में मेरे भाई पूरी दुनिया मुंबई में बैठी हुई थी कि मुंबई तो अब एक साइडेड गुजरात को हरा देगी, कॉन्फिडेंस दिया कहाँ पे, जब टीम 20 पैसा जब टीम आपको 20 पैसा लगी हुई लगने वाली थी और वहाँ पे टीम 35-38 पैसा क्लोज रेट हुई थी, वहाँ पे कॉन्फिडेंस दिया था कि मेरे भाई इस मैच में डरना मत, ये मुझे जैकपॉट दिख रही और जैकपॉट होगी। फुल ऑडियो में कॉन्फिडेंस दिया अपने पंटरों को और पंटर ने भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ मेरे भाई जैकपॉट को उड़ा दिया। और वहीं पे मेरे भाई हम लोगों ने जैकपॉट को उड़ाया लमसम 10-15 पैसे का वो जैकपॉट हुआ, और वहीं पे मेरे भाई पूरा मार्केट मुंबई पे लॉस में गया मेरे भाई, एक तरफा खाया और खा के खत्म हो गया। तो काम और काम का लेवल ये है, क्या कॉन्फिडेंस देता हूँ, किस लेवल का आप लोग काम करा कर देता हूँ मेरे भाई, जाकर काम देखिए मजा आ जाएगा मेरे भाई। चलिए ज्यादा ना बात करते हुए आगे बात करते हैं मेरे भाई अगले मुकाबले की। तो ये मुकाबला मेरे भाई छठा मुकाबला खेला जाएगा IPL 2024 का, जो कि खेला जाएगा मेरे भाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम पंजाब किंग के बीच, और ये मुकाबला मेरे भाई आज और 7:30 बजे शाम में खेली जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, जब भी इन दोनों टीमों में आपस में भिड़ी तो क्या हुआ है। तो यहाँ पे मेरे भाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स अब तक आपस में 31 मुकाबले खेले जा चुके हैं, और यहाँ पे बेंगलोर ने टोटल 14 मुकाबले जीता है, वहाँ पे पंजाब ने टोटल 17 मुकाबले को जीता है। देखा जाए मेरे भाई तो पंजाब डोमिनेटिंग टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ऊपर, और यहाँ पे एक और सीन में भाई पंजाब एक जीत के साथ हारी है, जीत का उनका एक स्वाद उनके मुंह को लग चुका है, और यहाँ पे मतलब मोमेंटम में, और यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर मोमेंटम में नहीं है, तो यहाँ पे काफ़ी डाउटफुल मैच होनी है। और आज का मैच ऐसा होना है कि मेरे भाई अच्छे अच्छे लोगों के समझ से बाहर का आज का मैच होना है, पैसा कमाकर मिलेगी इस मैच में, लेकिन मेरे भाई समझदार लोग इस मैच से पैसा कमा कर निकलेंगे, याद रखिएगा आज का मैच आप लोग देख लीजिएगा। वहीं अगर बात करते हैं मेरे भाई आगे इस मुकाबले की, तो ये मुकाबला मेरे भाई M Chidambaram स्टेडियम में खेली जाएगी, जो कि बेंगलोर का होम ग्राउंड होगा। जहाँ की अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए मेरे भाई, तो यहाँ पे अब तक टोटल 155 मैचेस खेले जा चुके हैं, जहाँ पे मेरे भाई पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम ने 69 मैचेस जीती है, और वहीं पे मेरे भाई सेकंड बल्लेबाजी करती हुई टीम ने 84 मैचेस को जीती है, 84 मैचेस को जीती है, और यहाँ पे 2 मुकाबला टाई बना है मेरे भाई। वहीं पर अगर बात की जाए मेरे भाई यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग के एवरेज स्कोर की, तो यहाँ पे 166 रन रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का और लोएस्ट स्कोर भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का है। और मेरे भाई यहाँ पे हाई स्कोर की बात की, तो यहाँ पे 263 रन 5 विकेट के नुकसान पर बेंगलोर ने लगाया था, और यहाँ पे लो स्कोर मेरे भाई 82 रन 10 विकेट के नुकसान पर वो भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का ही है। वहीं अगर स्कोरिंग पैटर्न पर अगर हम लोग नजर डालें, यहाँ पे 150 से नीचे का स्कोर यहाँ पर 48 बार लगा है, 150 से 169 का स्कोर यहाँ पर 35 बार लगा है, और वहीं मेरे भाई 170 से 189 का स्कोर यहाँ पे 30 बार लगा है, 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे 42 बार लगा है। देखा जाए मेरे भाई तो या तो यहाँ पे जो आपको स्कोरिंग पैटर्न में दिख रहा है, ठीक है बीच का छोड़िए, या जो यहाँ पे या तो 150 के नीचे का स्कोर लग रहा है सबसे ज़्यादा बार, और या तो 190 प्लस चला जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ चेजिंग ग्राउंड है मेरे भाई, ठीक है। जो बीते IPL की जो वुमेन्स IPL की जो मैचेस हुई थी, यहाँ पे चेस करना बहुत आसान था, यहाँ के पिच उस तरह की बिहेव कर रही थी, यहाँ पे जो भी टीम दूसरी सेकंड बैट पे आए वो चेस यहाँ पे कर सकती है, तो यहाँ पे चेस के साथ प्रेफर करिएगा रहना। वहीं अगर बात की जाए मेरे भाई दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की, तो दोनों टीमों के प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार है। पंजाब किंग की तरफ से शेखर धवन, जॉनी ब्रेस्टो, प्रभास सिमरन सिंह, लाइम लिविस्टन, जितेश शर्मा, सैम करन, ऋषि धवन या हरप्रीत दार, और हर्षल पटेल, कविश्वर बाटा, राहुल चौर, मेरे भाई अर्शदीप सिंह। वहीं अगर बात की जाए मेरे भाई फाफ टू प्ले आरसीबी की तरफ से फाफ टू प्लेसिंग, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, मेरे भाई दिनेश कार्तिक, अनुज रावत,
करण शर्मा, अलजारी जोसेफ, मयंक डागर और मेरे भाई सॉरी मोहम्मद सिरा। अबे यार क्या लगा दिया। अच्छा खैर प्लेइंग 11 आप लोग जान रहे हो, और एडिटिंग करने वाले ने लगता है पिछले साल वाला डाल दिया, एक दो प्लेस में तो है ही नहीं। तो खैर प्लेइंग 11 आप लोगों को मालूम है, खाम का वीडियो अब मैं ज़्यादा एडिट करने जाऊंगा, सबको सही करने जाऊंगा मेरे भाई, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी, ज़्यादा समय नहीं, मैच शाम 7:30 बजे, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। अब चलिए आते हैं मुद्दे पे कि इस मुकाबले का टॉस कौन जीतने जा रहा है। तो भाइयों मेरे अनुसार इस मुकाबले का टॉस मेरे भाई बैंगलोर जीतने जा रही है, बैंगलोर इस मुकाबले का टॉस जीतेगा। वहीं अगर मेरे भाई मैच की बात की जाए, उससे पहले अगर आप लोग अभी भी अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का आइकन होगा वहां पे क्लिक करके आप लोग को ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। और मेरे भाई जाकर अब टाइम नहीं है मेरे भाई, कमाने का टाइम है, काम देख लोगे मेरे भाई काम के दीवाने हो जाओगे, ऐसा काम फिर दोबारा आप लोग को फिर मिलने से रहेगा, और ये काम आप लोग कहीं नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर के आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। फाइनल प्रेडिक्शन फाइनल रिपोर्ट मेरे भाई आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है, शाम 7:30 बजे आप लोग को वहाँ पर रिपोर्ट मिल जाएगी, फाइनल प्रेडिक्शन आप लोग को वहीं मिलेगी। चलिए बात करते हैं मेरे भाई इस मुकाबले की। तो मेरे अनुसार इस मुकाबले को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीतने जा रही है मेरे भाई, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस मुकाबले को अपने नाम करने जा रही है। लेकिन मेरे भाई फाइनल प्रोडक्शन फाइनल रिपोर्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां तक जाकर के आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल।